खड़गे साहब जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके पुत्र के द्वारा लगातार सनातन धर्म को गाली दिया जा रहा है। इन लोगों का आज हम लोगों ने सनातन धर्म के अनुसार दाह संस्कार किया गया है। नमस्कार, मैं शुभम प्रेरणा, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। इंडिया गठबंधन नाम के साथ ही इस पर सियासत खूब हुई, और बता दें कि इस पर सियासत अभी थमा भी नहीं था कि वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन का एक बयान जो है खूब सुर्खियां बटोरा, जिसमें उन्होंने सनातन धर्म का तुलना जो है मलेरिया डेंगू से कर दिया था। यानी कि ये जो बयान उन्होंने दिया, इसके बाद से बिहार की राजनीति इस पर गर्मा गई, खूब ज़्यादा तर्क वितर्क हुए, वाद विवाद हुए, बावजूद इसके ये मामला जो है अब तक थमा नहीं है। और इसी कड़ी में बता दें कि आज एक वाक्या हुआ जिसे देखने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल बीजेपी के तरफ से एक अहम कदम उठाया गया जिसे देखने के बाद इस पर भी खूब सियासत हो सकती है। हुआ यूं है कि पटना के बांसघाट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के माध्यम से इंडिया गठबंधन का दाह संस्कार किया गया, और वहां पर हिंदू रीति रिवाज से जो है चिता सजाई, और इसके बाद इंडिया गठबंधन के चिता में आग लगाया गया। आप देखेंगे कि उसमें जो है इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं के जो है पोस्टर भी लगाए गए हैं, जिसमें कि राहुल गांधी साथ ही जितने भी अन्य नेता हैं वो उसमें शामिल हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि कैसे पटना के बांसघाट पर जो है ये तमाम नज़ारा देखने को मिल रहा है, जहाँ पर बीजेपी के माध्यम से इंडिया गठबंधन में शामिल तमाम नेताओं का दाह संस्कार किया गया है। तो चलिए एक बार देखते हैं इस खबर को विस्तार से, और साथ ही उससे पहले ये सुनते हैं कि इस पूरे मसले को लेकर जो बीजेपी नेता है उनका क्या कुछ कहना है। सनातन धर्म को लेकर लगातार आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग इंडिया गठबंधन जो लोग बनाए हैं, अंग्रेज के वंशज, उन तमाम लोगों के खिलाफ आज हम लोगों ने पटना के ऐतिहासिक बांसघाट पर दाह संस्कार किया गया। उदयनिधि स्टालिन, खड़गे साहब जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके पुत्र के द्वारा लगातार सनातन धर्म को गाली दिया जा रहा है। इन लोगों का आज हम लोगों ने सनातन धर्म के अनुसार दाह संस्कार किया गया है, दाह संस्कार किया गया है। बता दें कि पटना के बांसघाट शमशान घाट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा हिंदू रीति रिवाज से इंडिया गठबंधन के नेताओं का दाह संस्कार किया गया, और रावण की फोटो बनाकर उसमें इंडिया गठबंधन के नेताओं की तस्वीर लगाई गई, और उसको चिता पर सुलाकर आग भी लगा दिया गया। पोस्टर में ममता बनर्जी, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार, मल्लिकार्जुन खड़गे, उदयनिधि स्टालिन, एमके स्टालिन समेत कई नेताओं की तस्वीर भी है। बता दें कि बिहार में भाजपा कार्यकर्ता इंडिया गठबंधन के नेताओं के द्वारा सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान देने पर काफी ज्यादा आक्रोशित है, और आज इसी कड़ी में अनोखे तरीके से यहां पर प्रदर्शन भी किया गया। तो जैसा कि आपने देखा है तस्वीरों के माध्यम से कि कैसे रावण की फोटो बनाकर उसमें इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं का जो है फोटो लगाया गया, इसके बाद उन्हें चीता पर सुलाकर उनका दाह संस्कार किया गया। दरअसल यहां पर रोष व्यक्त किया गया, यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के बयान से जो है सनातन धर्म के लोग बेहद आहत है, यही दिखाने की यहाँ पर कोशिश की गई है। जहाँ पर पटना के बांसघाट में चिता सजाकर इन्हें तमाम नेताओं को एक पोस्टर में सजाकर उनके चिता में आग लगाई गई है, और ये बताने की कोशिश की गई है कि ये लोग देश का विनाश कर रहे हैं, विकास में इनकी कोई भागीदारी नहीं है। आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि कैसे आज पटना के बांसघाट में अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया गया है, जहाँ पर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद थे। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, और देखते रहिए हमारा चैनल एक न्यूज 24। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।